देखिए आज हम देखेंगे अगला यानी न्यू चैप्टर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह समझ में आना चाहिए उसकी सीधी और सिंपल, सीधे कम शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा। मूल द्रव्य की कक्षा अनुसार किए गए इलेक्ट्रॉन की विभागनी को मूल द्रव्य का इलेक्ट्रॉन स्वरूपण कहते हैं। इतना समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर यानी कि उसका अणु अंक है 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह निकलेगा, पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8 और आखिर के 1, 2 और 8 10 और बचा आखिर का 1 यानी कि 11। तो इलेक्ट्रॉन स्वरूपण के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं इलेक्ट्रॉन स्वरूपण के? दो प्रकार होते हैं। पहला स्थिर इलेक्ट्रॉन स्वरूपण यानी कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल। अर्गॉन का एटॉमिक नंबर है 18 यानी कि पहली कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में 8, 2 और 8 10 हुए और बचे कितने और 8 यानी कि आखिर का 8 क्यों आया यहां पर, उसका अष्टक पूरा करने के लिए 8। अब अस्थिर इलेक्ट्रॉन स्वरूपण, तो इलेक्ट्रॉन स्वरूपण का दूसरा प्रकार अस्थिर इलेक्ट्रॉन स्वरूपण, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अनस्टेबल। उसका फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, उसका एटॉमिक नंबर है 13। तो हम देखेंगे पहली कक्षा में 2, बचे कितने और 11, तो आखिर दूसरी कक्षा में 8, अष्टक पूरा हुआ 10, बचे कितने 3। समझ रहे हो, 2 8 और 3। आपको यह समझ में नहीं आया होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने ये 2 8 3, ये 2 8 8, 2 8 1 किस तरह इलेक्ट्रॉनिक उसका स्वरूपण किया है, मैं आपको आगे समझाऊंगा पूरी तरह। हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और उसमें हम उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किस तरह निकाला जाता है हम आगे देखेंगे। संयोजन वैलेंसी यानी कि दो या दो से अधिक मूल द्रव्य की संयोग होने की क्षमता, जो मूल द्रव्य है उनकी संयोग होने की क्षमता को उसकी संयोजा कहा जाता है। उसकी क्या कहा जाता है? संयोजा कहा जाता है। अब समझो एग्जाम्पल कैल्शियम, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 20, तो पहली कक्षा में 2, दूसरा पूरा होने के लिए 8 की जरूरत पड़ेगी तो 8, उसके बाद भी 8 और आखिर में बचे कितने 2, यानी कि उसके जो आखिर की कक्षा में, आखिरी कक्षा में जो बचा होता है वह क्या होती है? संयोजा होती है। 2 8 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, यानी कि पूरा कितना आ गया 20 आ गया, तो उसके आखिरी कक्षा में कितने बचे 2, यानी कि उसको, और उसके नीचे हम मैंने कुछ नंबर दिए हैं, पहले एस के भीतर 2 एलिमेंट्स, पी के भीतर 6, डी के भीतर 10 और एफ के भीतर 14। अब हम इन्हें नंबरिंग करेंगे। एस कितने नंबर पर है? पहले नंबर, पी दूसरे, डी तीसरे और एफ चौथे नंबर पर है। तो यस पहले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2, यस यस, उसके बाद पी यस, पी यस कितने समय लिखा मैंने 2 समय। अब डी पी यस, डी पी यस और एक समय डी पी यस, समझ रहे हो। अब बचा क्या? एफ डी पी यस, एफ डी पी यस कितने समय लिखना है इन्हें 2 बार, एफ डी पी यस, एक के नीचे एक आ रहा है ये समझिए। क्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 और यहां पर 8, समझ रहे हो 8। आप बचे पी, पी की संख्या कहां से शुरू हो रहा है? 2 से, 2 3 4 5 6 और यहां 7। डी कहां से शुरू हो रहा है? 3 नंबर, डी 3 4 5 और 6। एफ कहां से शुरू हो रहा है? ऊपर 4 और 5, यानी कि कितना गया 5 6 7 और 8। आप समझो फॉर एग्जाम्पल
मैंने ले लिया जिंक, क्या ले लिया जिंक, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना आता है 30 यानी कि 30, तो हम उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किस तरह बिठाएंगे, हमें जिंक का एटॉमिक नंबर कितना लाना है 30 लाना है, तो हम किस तरह से देखेंगे, पहली कक्षा में कितना बैठ सकता है 1s2, कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं इसमें, दो, ज्यादा से ज्यादा दो, 2s2, अब 2p, पी के भीतर कितने बैठ सकते हैं 6, 2p6, और उसके बाद आया यस 3s2, यस के भीतर ज्यादा से ज्यादा 2, पी के भीतर ज्यादा से ज्यादा 6, डी के भीतर ज्यादा से ज्यादा 10 और एफ के भीतर ज्यादा से ज्यादा 14, 3s2, 3p6, 4s2, अब डी है, डी के भीतर कितना आता है 10, 3d10, अब इसके सामने बढ़ा नहीं सकते, हम गिनना चाहिए हमें, ये कितना है 2, 1s का 2, 2s का 2, यानी कि 2 और 2 4, 2p का 6, यानी कि ये 4 और ये 6 मिलाकर 10, 3s का 2, ये 10 और 2 मिलाकर 12, ये 3p6 का 6, यानी कि ये 12 मिला और 6 मिलाकर 18, और 3p6 में ये 18 में 4s2 मिला है, तो 18 प्लस 2 20, अब 3d10, ये 20 और ये 10 कितना हो गया 30, तो हमारा जिंक कितना आ गया 30। और एक एग्जांपल देखेंगे हम देखेंगे कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, तो अब हमें निकालना है क्या 20, तो 20 आने के लिए अब पहली कक्षा 1s में कितना बैठ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 2, तो 1s2, अब इस s में भी और 2 बैठ सकते हैं, 2s2, ज्यादा से ज्यादा 2, अब यहां p के भीतर कितने बैठ सकते हैं एलिमेंट्स 6, 2p6, अब s के भीतर और 2 एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ 2, 3s2, अब p के भीतर कितने बैठ सकते हैं 6, 3p6, अब हमें गिनना है कितना हो रहा है, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, यानी कि और हमारे पास कितने बचे 18 हो गए, 2 हमें लाना है, तो अब हमें कितना लेना 3p6 हुआ, तो अभी 4s2, यानी कि टोटल एटॉमिक नंबर कितना आ गया 20, समझ रहे हो। देखेंगे एक और एग्जांपल, जर्मेनियम, इसका एटॉमिक नंबर है 32, 32, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर है 32, तो अब हम इसे किसने प्रकार निकालेंगे, एस में ज्यादा से ज्यादा 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14, तो 1s, 1s कितने बैठ सकते ज्यादा से ज्यादा 2, 2s यानी कि 2s, एस में भी फिर से 2, अब आया क्या पी, पी के भीतर कितने बैठ सकते हैं 6, 2p6, अब 3s2, अब पी, पी के भीतर 6, 3p6, और अब 4s, 4s2, अब डी के भीतर कितने बैठते हैं 10, 3d10, अब कितना हो रहा है ये गिनेंगे हम, 2 और 2 4, ये 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 10 30, और बचे कितने और 2, तो 3d10, 4p, अब 4p में ज्यादा से ज्यादा कितने बैठ सकते हैं 6, लेकिन हमारे पास बचे कितने हैं 2, तो इसके भीतर कितना 4p2, समझिए, समझ में आ गया, तो मैं आपको कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल दूंगा, तो आपको यह एग्जाम्पल छोड़ने हैं, ब्रोमीन नंबर 2, क्रिप्टॉन नंबर 3, ज़ेनॉन नंबर 4, आर्गन नंबर 5, लैंथेनम,
एक दो तीन चार पांच, यह पांच एग्जाम्पल अच्छे से समझिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर नहीं समझ रहा है तो फिर से पूरा वीडियो देखिएगा, अगर बीच में छोड़ दोगे तो पूरा वीडियो नहीं समझ में आएगा। मैंने सीधे और सिंपल भाषा में समझाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो इसमें आपका लॉस हुआ है, और इसी कारण आपको पूरा वीडियो देखकर यह समझना है और हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीधे और सिंपल भाषा में किस तरह से निकाला जाता है समझना है। आशा करता हूं कि आपको यह मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी का वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर जाइएगा, और हो सके तो शेयर करिएगा।